So hello students, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन. उसका नाम लिया है हमने फैक्ट, एंड इट विल रिटर्न लॉन्ग इंट टाइप ऑफ अ वैल्यू एंड इट विल एक्सेप्ट वन पैरामीटर ऑफ टाइप इंटीजर. और इस ये जो हमने लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन. यहाँ पे हमने मेन को डिफाइन किया है. मेन में हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है n, और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फैक्टोरियल ऑफ टाइप लॉन्ग इंटीजर टू एक्सेप्ट द फैक्टोरियल वैल्यू. उसके बाद हमने एक मैसेज फ्लैग कराया है एंटर द वैल्यू ऑफ n. n की वैल्यू हमने यूजर से ली है. उसके बाद हमने अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन फैक्ट को कॉल किया है उस n वैल्यू के लिए जो यूजर ने हमें प्रोवाइड की है. तो वो n वैल्यू विल बी कॉपी टू द वेरिएबल x. n इज द एक्चुअल पैरामीटर एंड x is the formal parameter. The value of the actual parameter is copied to the formal parameter x. उसके बाद हमारा ये function call हो रहा है. अगर आप इस function में देखेंगे इसकी definition में, तो इस function में हमने यहाँ पे एक if condition लगाई है जहाँ पे वो one value return कर रहा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे return में नीचे यानी कि else part में एक और condition लिखी है जहाँ पे वो अपने आप को call कर रहा है for value x minus one. यानी कि यहाँ पे ये जो हमने फैक्ट x माइनस वन लिखा है, दिस इज द रिकर्सिव कॉल टू द फंक्शन फैक्ट. ये हमारा रिकर्सिव कॉल हो रही है. तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं तो रिकर्सिव फंक्शन में हमारी इस टाइप की एक एग्जिट कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है. अगर हम वो एक एग्जिट कंडीशन या बेस कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वो रिकर्सिव कॉल कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, और वो एक इनफाइनाइट तरीके से आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ पे भी हमने एक एग्जिट कंडीशन लगाई है, और एग्जिट कंडीशन हमेशा आप इफ के साथ लगाते हैं. तो हमने यहाँ पे जो अपनी एग्जिट कंडीशन लगाई है वो ये लगाई है कि अगर x की वैल्यू हमारी 1 या 1 से कम होगी तो वो अपने आप को कॉल ना करके 1 वैल्यू को रिटर्न करेगा, और अगर x की वैल्यू 1 या 1 से कम नहीं है तो उस केस में वो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा फॉर वैल्यू x माइनस 1. तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा फंक्शन, देखिए जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा क्या आउटपुट आता है. लेट अस टेक द वैल्यू 5. फॉर एग्जांपल यूजर ने 5 वैल्यू एंटर करी है, तो हमारा आंसर आ गया फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120. ये फैक्टोरियल हमारा किस तरीके से आया है, या फिर ये हमारा फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है. जब हमारी एन की वैल्यू 5 है, उस टाइम पे आपकी एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी. और उसके बाद ये 5 के लिए फंक्शन कॉल हो रहा है हमारा फैक्ट. अब x यानी कि 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, दिस कंडीशन इज फॉल्स. अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और इस कंडीशन में क्या होगा, 5 इंटू फैक्ट अपने आप को कॉल कर रहा है फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर वैल्यू 5 माइनस 1 यानी कि 4 वैल्यू को कॉल कर रहा है. तो जब ये फैक्ट अपने आप को कॉल करेगा उस टाइम पे, अब किस वैल्यू के लिए कॉल करेगा, 4 वैल्यू के लिए कॉल करेगा. तो ये कंडीशन दोबारा से फॉल्स हो जाएगी और आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. इस स्टेटमेंट में फिर से x इंटू फैक्ट x माइनस 1. अब इस टाइम पे x की वैल्यू आपकी 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू फैक्ट अपने आप को कॉल करेगा फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर वैल्यू 4 माइनस 1 दैट इज 3. उसके बाद ये दोबारा फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा. ये जो कंडीशन है अभी भी फॉल्स है, आपकी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. इस स्टेटमेंट में अभी x की वैल्यू 3 है, तो ये दोबारा से 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1 यानी कि 2 वैल्यू के लिए कॉल होगा. अब उसके बाद x की वैल्यू आपकी 2 है, ये फंक्शन ने दोबारा अपने आप को कॉल किया है. अभी भी ये हमारी एक जो इफ वाली बेस कंडीशन है वो हमारी फॉल्स है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. और इस स्टेटमेंट में 2 इंटू फैक्ट 2 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 1. यानी कि अब ये फैक्ट अपने आप को कॉल कर रहा है किस वैल्यू के लिए, 1 वैल्यू के लिए. जब x की वैल्यू 1 होगी उस टाइम पे आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी, और आप वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, वो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ वो वैल्यू रिटर्न करेगा 1, और यहाँ पे आपका रिकर्सिव कॉल ब्रेक हो जाएगी, और ये जो भी आपका आंसर होगा ये आपका आंसर कैलकुलेट होके आपको आउटपुट में शो कर देगा, जैसे यहाँ पे हमारा शो कर रहा है 120. सो दिस विल बी योर द बेस कंडीशन और द टर्मिनेटिंग कंडीशन. और यहाँ पे जो आपने लिखा है दिस इज नोन एज द रिकर्सिव कॉल, और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन.